मर्द और औरत के बीच प्रॉब्लम्स होती हैं। अब ये मत कहना कि प्रॉब्लम्स नहीं होती, प्रॉब्लम तो है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम भूल जाते हैं कि हम में फर्क है। हमारा शरीर अलग है, आवाज अलग है, जीने का तरीका और नजरिया भी अलग है। अब आप पूछेंगे कि असल फर्क क्या है। मैं इसकी गहराई में ज्यादा तो नहीं जाऊंगी। फर्क ये है कि एक औरत है और एक मर्द है, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारे करीब आने की सिर्फ दो वजह हैं, लव और अय्याशी। जानते हो तीसरी वजह भी होगी। हमारे करीब आने की वजह सिर्फ अय्याशी करना नहीं है, तो और क्या वजह हो सकती है? प्यार। रहने दो, इसकी हम में से किसी को जरूरत नहीं है। एक औरत ऑलरेडी अपनी जिंदगी में खुश है और एक मर्द अपनी जिंदगी में खुश है, किसी को भी किसी की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताती हूँ जिसे कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे। बात ये है, जिसे प्यार करने वाला मनपसंद साथी मिल जाता है वो हमसे भी ज्यादा खुश रहता है, लेकिन जो बेचारा प्यार के लिए तरसता है, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। क्योंकि हम दोनों बिल्कुल अलग हैं, तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी हमारी तरह बने सिर्फ इसलिए कि वो हमसे प्यार करते हैं। अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, मर्द और औरत बिल्कुल अलग हैं। पता है भाई, अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं, तभी तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। माना ऐसे भी कई हैं जो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर वो टॉपिक बिल्कुल अलग है। लड़के प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं, ना कि बाल की खाल। अब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, 10 सवाल खड़े कर देती हैं। बाप रे, कितने सवाल यार। और सवालों के जवाब मिल भी जाएं तो उनमें नया सवाल पैदा करती हैं। इन्हें समझाए कैसे, कैसे बताओ ऊपर वाले। आप पक्का सोच रहे होंगे ना कि मेरे पास तो हर सवाल का जवाब है। काश ऐसा होता। खैर, कुछ जवाब तो है मेरे पास जो मुझे मेरी जिंदगी के ठोकरों ने दिया है। अब देखो ना, आखिर हम भी तो एक साथ एक अच्छा वक्त बिता रहे हैं ना। बिल्कुल। देखो, हम लंच साथ में करते हैं, अक्सर कॉफी पर मिलते हैं। मेरी क्लाइंट पर दो लड़के कभी ऐसा नहीं करेंगे। उन्हें ही देख लो, कितने सीरियस मैटर पर बात कर रहे हैं ये लोग, जैसे बिजनेस मीटिंग हो। कुछ कमी लग रही है। वो भी पार्टी कर रहे हैं डार्लिंग। मैंने मेल भी सेंड किया उन्हें। क्या तुमने कभी दो लड़कों को इस तरह आराम से बैठ के किसी रेस्टोरेंट में लंच पर देखा है क्या? लंच पर? संजू बताओ। असल में ऐसा कभी होता नहीं है। आई नो। हाय। सॉरी, मुझसे रहा नहीं गया। क्या है कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोग मेरी बात कर रहे हो, ऐसा मेरा सिक्स सेंस कह रहा है। सो तुम्हारा सिक्स सेंस तो काफी अच्छा है। मेरा सिक्स सेंस 99% सही होता है, खासकर लड़कियों के बारे में। ओके, लेकिन बात ऐसी है कि हम सब तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे थे, हम आम मर्दों के बारे में बात कर रहे थे। तो उनमें मैं भी शामिल हूँ। एक्सक्यूज मी। तो अब जरा खोल के बताओ कि ये जो मर्द है वो होता कैसा है, बताइए। मुझे ना एक डाउट है। खूबसूरत लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के लिए तुम बिजनेस मीटिंग छोड़ सकते हो, इससे तुमने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया है ना। ये तो तुमने खुद साबित कर दिया, जब तुमने खुद तारीफ की तो मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा लगा। सिंपल। ओह अच्छा, तो ये तुम्हारी बिजनेस मीटिंग है। तो वो राजीव है, मेरा दोस्त, और तुम सही हो, हम मीटिंग ही कर रहे हैं। माना हम दोनों दोस्त हैं, पर इतने महंगे रेस्टोरेंट में हम खाना क्यों खाएंगे? वेस्ट ऑफ मनी, राइट? इससे तो अच्छा हम घर में रहकर मजे से बियर पिए, नहीं? एग्जैक्टली। हम भी तो यही बातें कर रहे थे कि आखिर मर्दों को हमारी तरह कैजुअली साथ में लंच करना क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि ये हमारी फितरत के खिलाफ है। हम क्यों इतने महंगे रेस्टोरेंट में आएंगे, वो भी एक लड़के के साथ? हाँ, अगर तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की साथ हो तो बात समझ में आती है। एक्चुअली हमें ऊपर वाले ने बनाया ही ऐसा है। मिसाल के तौर पे तुम लड़कियाँ ग्रुप बनाकर या किसी को साथ लेकर ही रेस्टरूम में क्यों जाती हो? अकेले नहीं जा सकती हैं। अगर दो लड़के साथ में जाते हैं तो बात समझ में आती है, क्योंकि हम साथ मिलकर वो काम कर सकते हैं। तुम लड़कियाँ मिलकर जाके करती क्यों? तुम डायलॉग्स कितने अच्छे मारते हो। बोलना ही मेरा काम है, क्योंकि मार्केटिंग में हूँ, बोलता रहता हूँ, मुँह से वही निकालता हूँ जो लोग सुनना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग। इसे याद है, 90% रिलेशनशिप में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो भी लवर सुनना चाहती है उसका पार्टनर, वो कभी नहीं बोलता। मैं समझी नहीं। चलो फिर से मिसाल देता हूँ। मान लो कि तुम और मैं एक साथ रहते हैं। हाँ? तुम्हारे घर आने का वक्त है और आज तुम काम से थक के चूर होकर आई हो। अब कोई भी नॉर्मल बॉयफ्रेंड ये करेगा। हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ, मैं अभी घर पहुंची हूँ। या थैंक यू। क्या करूँ? क्या बात है डार्लिंग, तुम्हारा दिन कैसा गया? बहुत सारा काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो, थोड़ा आराम ही कर लो यार। क्या कहा? मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है, समझे?
तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मेरी नौकरी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है? फिलहाल मुझे बहुत सारा काम है, दैट्स इट। अरे मैंने ये सब कब कहा, मैं तो बस बोल रहा हूँ, टेंशन मत लो यार। ओ, तो तुम्हें लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूँ, है ना? यही कहना चाहते हो ना? ओह गॉड, माँ का फोन है। ओह, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना था, भूल गई। इसमें टेंशन क्या है, तुम्हारी माँ समझ जाएगी। करेक्ट, मतलब मुझे उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम मेरी परवाह नहीं करते हो, है ना? तुम्हें पता भी है वो किन हालात से गुजर रही है। रुको रुको, बस करो, जब से तुम आई हो कट 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 किए जा रही है यार। क्योंकि तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो। तुम बातों का गलत मतलब निकाल रही हो, मैंने ये सब कहा कब? ए, गलत है यार, वो तो उसकी बात सुन रहा था। अच्छा, अब ईमानदारी से बताना, अगर उसकी जगह पर तुम होती तो क्या इसी तरह रिएक्ट नहीं करती? हाँ। मान लेना। तुम वाकई में बड़े ही दिलचस्प हो, पर अपना नाम नहीं बताया। संजू। हाय संजू, मैं हूँ प्राची। हाय। और ये है मेरी दोस्त टैमी। हाय टैमी। हाय। अब पार्ट टू देखते हैं, अगर मैं होता इस सिचुएशन में तो क्या करता। हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ, मैं अभी घर पहुंची हूँ। या थैंक यू। क्या करूँ? क्या हाल है बेबी, तुम्हारा दिन कैसा था? मुझे इतना सारा काम है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। टेंशन से मेरा सर फटा जा रहा है, क्या करूं हे भगवान। बेचारी, ये लो बेबी। ओह नो, माँ का फोन है, मुझे उनसे मिलने जाना था, मैं भूल गई। मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे हर सवाल का जवाब है। उसने तो कुछ भी नहीं कहा, वो तो बस चुपचाप सुन रहा था। बिल्कुल सही, उसे लगा उसने सही चीजें बोली, पर उसने तो कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वो कुछ सुनना चाहती ही नहीं थी, वो बस चाहती थी वो उसे समझे। बात तो सही है, लड़के इतना ध्यान नहीं देते, बेवक्त बेवजह किसी के सामने कुछ भी कह देते। लेकिन ध्यान देते हैं क्या? मैं देता हूँ। तो अब समझ में आया। क्या कहा? शादीशुदा हो? किस्मत से बचा हुआ हूं। तो रिलेशनशिप में होगे? गे हो? अरे नहीं। तो फिर अब तक सिंगल कैसे हो? साल भर पहले न्यूयॉर्क से यहाँ काम के लिए आया, काम इतना कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है, और आज तक ऐसी कोई मिली भी नहीं मुझे। तो बेसिकली जब से तुम दो लड़कियों से मिले हो, उनमें तुम इतने खो गए कि अपने दोस्त को भूल गए। अरे यार, क्या दोस्ती है। हे महेश, यहाँ आ जा यार। हे, अभी कुछ देर पहले राजीव बताया था। क्या बात है, तुम मेरी बातें बड़ा ध्यान से सुन रही थी। हम लोगों से तुमने गलत नाम क्यों बताया, झूठ क्यों कहा? दो अनजान लड़की को होटल में कोई अपना असली नाम और नंबर क्यों बताएगा, कहीं हाथ धोकर पीछे पड़ गई तो? इस बात की क्या गारंटी है कि मैं पीछे पड़ूंगी? इस बात की क्या गारंटी है कि इसका असली नाम महेश ही है। हाय, मेरा नाम महेश है। अकेले बैठे बैठे अजीब लग रहा था, आप चाहो तो मेरे सारे मैसेजेस, जीमेल अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब खोल के चेक कर सकती हो, हर एक जगह आपको मेरा नाम महेश ही मिलेगा। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार सब मुझे महेश ही बोलते हैं, मेरा कोई पेट नेम तक नहीं है। खैर, अब तो हम लोगों को पता चल ही गया है कि तुम्हारा नाम महेश है। नहीं, अभी भी किसे पता, हो सकता है इन्होंने ये नाम सिर्फ रेस्टोरेंट में आने के लिए रखा होगा। अगर हर रोज ऐसी खूबसूरत लड़कियां मिलती रही तो मैं नाम भी बदल लूं। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि तुम जैसे कॉर्पोरेट वालों में भी सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। गुड। अच्छा तो बताओ, तुम्हें क्या लगता है किसमें सेंस ऑफ ह्यूमर होता है? मुझे नहीं पता। मजेदार बात बताऊं, हमें मिले सिर्फ 5 मिनट हुए और हम दोस्त बन चुके हैं। अब अफसोस की बात यह है कि लोग जितनी जल्दी दोस्त बनते हैं उतनी ही जल्दी अलग भी होते हैं। सही कहा, इन्हीं सारी वजहों से आज कोई रिश्ता चलता ही नहीं है। पहले तो सालों बात करते थे और आज महीने भर में रिश्ते यूं टूट जाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास लोगों से जुड़े रहने के कई जरिए हैं। सही कहा, पहले लवर का चेहरा देखने के लिए बस स्टॉप पे जाना, इंतजार करना, ये सब होता था। और आज हमारा पूरा दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे ही गुजर जाता है। ताजुब की बात यह है, आज अगर हम किसी से मिलते भी हैं तो भी हमारी बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि हम टच में रहते हैं। तो हम कब तक टच में रहेंगे? अभी अभी तो मिले हैं हम। हम बरसों पहले मिल चुके हैं। कैसे? पहली से 7वीं तक हम दोनों एक ही स्कूल में थे। सच में? जाहिर है तुमने मुझे देखा भी नहीं था, मैं एकदम गोल मटोल टाइप था। क्लास सेम थी पर डिवीजन अलग था, और पूरा का पूरा स्कूल तुम्हारा दीवाना था। स्कूल के लड़के की हर क्रश टैमी प्रकाश थी। सीरियसली? तुम्हें नहीं पता? मुझे पता है, पर दोबारा सुनना अच्छा लग रहा है। कितनी ताज्जुब की बात है, नहीं? सालों तक एक दूसरे के सामने रहे पर आज तक कभी बात नहीं की,
और आज बात हुई भी तो ऐसा लगा कि बरसों से दोस्ती है। कमाल की बात है नहीं? तुम भी बातों में बहुत माहिर हो। लगता है मुझे तुमसे बच के रहना होगा। महीने हो चुके हैं टैमी। तो मैं अभी तैयार नहीं हूं। आई एम सॉरी। और क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है या? फिलहाल ये बात मत करो प्लीज। टैमी यार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। तुम कहना चाहते हो तुम छोड़ दोगे मुझे? नहीं 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 नहीं, मतलब प्यार का इजहार करने का ये भी तो एक तरीका ही है ना। क्या कहा? मतलब रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये रस्म जरूरी है। तो तुम्हारा मतलब है इससे ही हमारा रिश्ता अगले लेवल पर जाएगा, वरना अधूरा रह जाएगा, यही कहना चाहते हो ना? बोलो। हाँ समझ लो। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो ही हमारे प्यार में मजबूती आएगी। रुको, ये बड़ी आम सी बात है। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ऑटोमेटिकली, समझ रही हूँ ना? क्या तुमने कभी अपने लाइफ में किसी लड़की के साथ रात गुजारी है? हाँ। कई बार ना? बिल्कुल भी नहीं। प्यार होने के लिए एक रात काफी नहीं होती है। तो रुको रुको रुको, तुमने उनके साथ रात गुजारी और अब तुम्हारा कहना है कि ऐसा करने से हम उसे और चाहने लगते हैं? ओ, तो ये बात है। तुम क्या कहना चाह रही हो मैं समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं तो वही कह रही हूँ जो तुम कह रहे हो। अरे ये क्या कह रही हो? देखो प्यार से तुम्हें समझाता हूँ। जब दो लोग प्यार करते हैं, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से करते हैं, तो प्यार का घड़ा भरता है और इसलिए वो इसी तरह अच्छा लगता है। अब इसमें कोई गलत बात नहीं है। मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता ना? हाँ टैमी। मुझसे पहले भी तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी ना, उसके साथ भी तुमने ऐसा ही कुछ किया था ना? हाँ। फिर भी ब्रेकअप हो गया। हाँ बिल्कुल, वरना आज मैं तुम्हारे साथ थोड़ी होता। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी रिश्ता आखिर कैसे टूट गया? अब इसकी कोई गारंटी कैसे दे सकता है? हम अपने रिश्ते को 100% देते हैं, पर अब वो कितनी देर टिकता है ये तो किस्मत पे ही है ना। ये सब हमारे हाथ में नहीं है। पर फिर भी वो एक लेवल पर पहुंच गया था, सही कहा ना? जबरदस्त लेवल पे। प्यार किए या फिर कुछ और? दोनों के। ऐसे कैसे हो सकता है? किसी एक में तो कमी हुई होगी। अगर दोनों चीजें होती तो आज मेरी जगह पे वो होती, मैं नहीं। देखो ऐसा है ना, कभी कभी प्यार का एहसास कमाल का होता है, कभी कभी साथ में बिताई रात कमाल की होती है। तो अगर उन दोनों में से कुछ भी ना हो तो हमारे रिश्ते में दोनों ही कमाल के होंगे। देखो मैंने पहले ही कहा था, डायलॉग बाजी नहीं चलेगी, सीधी सीधी बात करो। यार तुम्हें किस तरह समझाऊं? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों का रिश्ता कभी भी कमाल का नहीं हुआ क्या? एक बार हुए थे। बस एक बार? हाँ एक बार ही। फिर उसके बाद क्या हुआ? झगड़े होते थे, छोटी छोटी बात पे नाराज हो जाती थी, हर बात पे मुंह फुला लेती थी। और एक दिन ऐसा आया जब हमें पता चला प्यार खत्म हो चुका है। ये जानने के लिए कि हम प्यार और बेड पर कितने अच्छे हैं, हमें वो करना ही होगा और उसकी कोई गारंटी भी नहीं। हे, तुम तो इसको सौदेबाजी बना रही हो। एक बार मुझ पर भरोसा करो। इसके लिए तैयार नहीं हूं। ये क्या मजाक है टैमी? देखो संजू, तुम सच में अच्छे लड़के हो,
पर मैं ओह, बस... प्लीज संजू, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुम जैसा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा, फिर भी तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ये ब्रेकअप के भाषण बहुत सुन चुका हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ, पर इस वक्त मैं उस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बता दो कितना वक्त चाहिए, एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल, तुम बोलो तो मैं अलार्म लगा देता हूँ। I'm sorry, Tammy. मुझसे ये सब नहीं होगा। मतलब तुम मुझसे ब्रेकअप कर लोगे क्योंकि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही? नहीं, नहीं, ब्रेकअप तुम्हारी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से नहीं। हम दोनों साथ रहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, पर जितना हक मुझे मिलना चाहिए उतना तुम मुझे दे नहीं रही हो टैमी। तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी कि तुम्हारे दोस्त तुमसे क्या कहेंगे? क्या? और तुम क्या कहोगे? 6 महीने से तुम टैमी के साथ में हो और अब तक तुम कुछ कर नहीं पाए, इसी बात की फिक्र है ना? अच्छा, तुम ही सोच के बताओ, कौन हो तुम? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो क्या? तो इसमें हर्ज क्या है? टैमी, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तो अब मैं तुम्हारी समझ से भी बाहर हो गई हूँ, मुझे लगा था हमारे बीच गहरा रिश्ता है। देखा, तुम्हें भी पता है गहराई है, फिर ये दूरी क्यों? हम कपल्स हैं, मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हें मुझसे, पर नो संजू, टच मत करना। क्यों? क्या नाम था उसका? ईशान, वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, उसे मना करती थी? मुंह फेर के मत जाओ टैमी। ठीक है, तुम चाहती हो मैं साफ साफ कहूं, ठीक है, बोलता हूं। सुनो, ईशान मुझे मिला था, उसने मुझे बताया कि 3 महीने में तुम दोनों के बीच, मुझे इतना गुस्सा आया ना, खींच के मुक्का मारा। ये रोक टोक मुझ पर क्यों लगा रही हो? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता? सच में ईशान? हाँ ईशान। बकवास किया उसने, एक नंबर का झूठा है वो। ओके चलो, तुम मुझे एक बात बताओ, ऐसा कोई रूल है क्या कि अगर मैंने उसके साथ 3 महीने बात किया तो तुम्हारे साथ भी वही करूं? नहीं नहीं, एक्चुअली तुम उससे काफी अच्छे हो, प्यार भरी बातें करते हो, तुम्हारे साथ 2 महीने में सो जाना चाहिए। 2 महीने क्यों, 1 महीने में सो जाना चाहिए। टैमी, तुम इस बात को कहां से कहां ले जा रही हो? मुझे लगा था तुम मेरे साथ रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हो, पर तुम इस लेवल से आगे बढ़ ही नहीं सकते। देखा, देखा, बात का बतंगड़ बना दिया, तुम यही करती हो। मैं तो दिल की बात कर रहा था और तुम, हो क्या गया तुम्हें? ये क्या है? कहीं तुमने अपने दोस्तों से ये तो नहीं कह दिया कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है? नहीं तो? तुमने कहा है, सच सच बताओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक बात कहूँ? तुम्हें जो कहना है कहो, जिससे कहना है कहो, I don't care। एक बात और हो सकती है, मैं भी उनसे ये कह दूँ कि हमारे बीच सब कुछ हो चुका है। ओके। और साथ में ये भी कहूँगी, तुम 2 मिनट में बनने वाली मैगी की तरह हो। हाँ? इसलिए हनी, याद रहे कि हम सब कुछ कर चुके हैं और तुम कमजोर कड़ी हो और ये बात आग की तरह फैलेगी। टैमी, टैमी प्लीज, ऐसा करोगे तो मेरा मजाक बन जाएगा, वैसे भी ये बात झूठ है। तो तुमने मेरे बारे में जो भी कहा वो भी तो झूठ है ना? तो तुम्हें मेरी इज्जत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं हुई? और मैंने तुम्हारे बारे में गलत कब कहा? उल्टा मैं तो तारीफ करता हूँ कि मेरी टैमी दुनिया से अलग है। वाओ, मुझे तुमसे सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं बेड पर कितनी अच्छी हूँ। देखो टैमी, आई एम रियली सॉरी, बात सिर्फ इतनी है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब मुझे नहीं पता था कि ईशान झूठ बोल रहा है, पर जब मैंने वो सब सुना तो मैं अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाया। तुमसे झगड़ा करना मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है, हम ऐसे हैं ही नहीं यार। मुझे ऐसा नहीं लगता, हम का मतलब एक दूसरे से झूठ बोलना नहीं होता। बोलो। ओके, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन पहले तुम अपने शब्द वापस लो। क्या मतलब? यही कि जो तुमने मेरे बारे में बताया वो सब कुछ झूठ था। वो लोग मुझे फुद्दू समझेंगे, मुझे बाजारू समझेंगे, चलेगा? ऐसा कोई क्यों सोचेगा टैमी? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, ये हमारा निजी मामला, दुनिया के भाड़ में यार। हम कभी फिजिकल नहीं हुए, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें खुद अपने कहे हुए झूठ पर यकीन होने लगा है? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। थी,
मतलब अब नहीं शायद। मुझे इस तरह ब्रेकअप नहीं करना था, बल्कि मुझे कभी ब्रेकअप नहीं करना था। मैं सच में तुम्हें पसंद करती हूं। क्या कर सकते हैं? गुड बाय। कुछ भी नहीं। बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं, लेकिन मुझे उसके बारे में कहने की बड़ी बेचैनी होती थी कि कब किसी को उसके बारे में कहूं। अब इतना तो बनता ही है। टेमी, एक बात कहूं तुमसे? संजू मुझे गलत नहीं लगता। सच कहूं तो मैं भी उसे गलत नहीं ठहरा सकती, और सच कहूं तो ईशान भी मुझे गलत नहीं लगता। एक मिनट, ये क्या बात हुई कि इसमें ईशान की कोई गलती नहीं? देखो, 6 महीने तक तुम लोग घूमते रहे और तुमने उसे छूने तक नहीं दिया, तो और क्या उम्मीद रख सकती हो तुम उससे? हाँ, रिस्पेक्ट। उसे कोई हक नहीं है मेरे बारे में लोगों को घटिया कहानियां सुनाने की। टेमी, जरा खुद को देखो, तुम कितनी हॉट और सेक्सी लड़की लगती हो। लोग तो उसकी बात मानेंगे ही। सवाल ये नहीं है कि मैं कैसी लगती हूँ, सवाल उसके झूठ का है। क्या ऐसा कोई कानून है कि हॉट लड़कियों के साथ अलग ही तरीके से पेश आना है? ओह गॉड, अगर मैं फैशन की शौकीन हूँ तो क्या मुझे हर एक लड़के के साथ वैसे ही करना चाहिए? तुम्हारी सोच ही गलत है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनो। मैं कह रही हूँ कि उनमें से एक लड़के के साथ तो टेमी, मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ। किस चीज के लिए तैयार नहीं हो? एक्चुअली कभी कभी मुझे लगता है कि तुमने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया होगा। इसमें यकीन न आने वाली क्या बात है? एक बात कहूँ मैं तुमसे? बोलो। ऐसा नहीं है कि मुझे उस चीज से कोई प्रॉब्लम है। हाँ, तो फिर अब तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं? शायद अब तक कोई इतना काबिल नहीं मिला जिसके साथ मेरे कदम आगे बढ़े। ओह, मानो तुम्हें ट्रॉफी देने के लिए कैंडिडेट की तलाश है। क्या बात है, बच्चे तुम लोग जाओ। मैं तो इतना ही कहूंगी कि अब बहुत हो चुका। देखो, मैं खुद को उसे सौंपना चाहती हूँ जिसके साथ मैं अपना मन, अपना तन, आत्मा, भावना, ये सब शेयर कर सकूं। कोई तो इतना खास और काबिल होगा, मुझे उसी का इंतजार है। टेमी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम शेयर कर सकती हो सिर्फ धन और मन, लेकिन तन की बात बिल्कुल अलग होती है। यार, मैं इस मामले में थोड़ी रोमांटिक हूँ ना। इसे रोमांटिक नहीं कहते, ओल्ड फैशन कहते हैं। अब तुम्हें जो कहना है। वेट, सच को तो ओल्ड फैशन भी नहीं कहते। दरअसल पुराने जमाने में भी उन लोगों ने बहुत कुछ किया होगा। अच्छा? हाँ बिल्कुल। हाँ, उस वक्त तो ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक कुछ भी नहीं था, तो टाइम पास के लिए और क्या कर सकते थे। तो बेसिकली तुम सोशल मीडिया को ब्लेम कर रही हो इसके लिए? नहीं, मैं उसे ब्लेम नहीं कर रही हूँ। सोशल मीडिया की वजह से भी तो लोगों से मिलने के कितने ऑप्शंस हो गए हैं। तुमने ट्राई किया? नहीं, क्या कहती हो? बस करो, मुझे इनसे दूर ही रखो प्लीज। मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना। मैं तो सोच रही हूँ कि फेसबुक अकाउंट ही डिलीट कर दूंगी। ओ, अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखोगी तो जिंदगी कितनी बोर हो जाएगी। कुछ भी। Anyways, ओ, हेलो, वो गलत रास्ता है इस तरफ। देखो, अब तुम मुझे रास्ता बता रही हो। चलो, पॉइंट वाली बात यह है कि इसमें ओल्ड फैशन जैसा कुछ नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते। हे, ऐसी बात नहीं है, मैं भी तुम्हारे जितने ही मजे करती हूँ। अच्छा सुनो, मैं जिस मजे की बात कर रही हूँ, तुम उस मजे के बारे में सोचती तक नहीं हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं।
सच कहूं तो एक्स के पास वापस जाना सही नहीं है। हाँ जानती हूँ। संजू, ईशान, उनकी हरकतों से मुझे बहुत दुख पहुंचा है और मैं बहुत परेशान हुई हूँ। शांत हो जाओ। देखो, अगर लड़के इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे तो उनकी मर्दानगी को ठेस पहुँचती है। अच्छा, तो किसी के बारे में झूठ कह देने से उनमें बड़ी मर्दानगी आ जाती है, तो इसका मतलब है अब तक मैं जितने लड़कों से मिली उन सब ने अपने दोस्तों से वही बात कही होगी। जाहिर है। यू नो, मैं क्या सोच रही थी कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा। क्या? जैसे कि? जैसे मेरे साथ मजा आया या नहीं। तुम्हारा मतलब तुम ये जानना चाहती हो कि वो तुम्हारे बारे में किस तरह की बातें करते हैं, है ना? हाँ। आशीष, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड? हाँ। चलो उससे पूछते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, देखते क्या कहता है। कितना झूठा है ये, झूठ बोल रहा है ये, कितना झूठा है। सच में यकीन नहीं होता। सच में कितना झूठा है, कह सकता है ये ऐसा? वाओ, इसका मतलब मैं बेड पर कमाल की हूँ, ये तो मेरी तारीफ है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल फैमिली से हो, तो फिर तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? ट्रेडिशनल फैमिली से मैं जरूर बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं बहुत एडवांस्ड हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे डैड तो पूरी तरह हिंदुस्तानी है पर तुम तो लंदन में रह रही हो, फिर तुम्हारे ख्याल ऐसे कैसे? सही कहा तुमने, मेरे डैड ने मेरी परवरिश ही कुछ ऐसी की है। तुम्हें पता है, जब हम परदेश में रहते हैं ना, तो अपने देश की हर चीज का पालन करते हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, खास करके हमारे संस्कार। सही बात। तो लंदन में पलने के बावजूद मेरी परवरिश भारतीय संस्कारों के साथ हुई है। ओके। लेकिन मजेदार बात ये है, हम यहाँ पर अपने संस्कारों में पलते हैं। हाँ? और हमारे देश के लोग पता नहीं क्यों वेस्टर्न कल्चर के पीछे भागते हैं। लेकिन मुझ में जो मेरे संस्कार है उसके लिए मैं अपने डैड को थैंक यू कहना चाहती हूँ। प्रकाश, जब तुम मुझे पहली बार इस घर में लाए थे, उस रोज तुमने मुझसे कहा था कि एक दिन हम अपनी तीनों बेटियों के साथ इस घर में रहेंगे। हाय टैमी, तुम्हें अपना नाम पसंद आया? मुझे पता है तुम्हें जरूर पसंद आएगा, क्योंकि ये नाम तुम्हारी मां को पसंद था। बेटा, वो अब हमारे साथ नहीं और मैं उसकी जगह नहीं ले सकता, लेकिन आज से मैं ही तुम्हारा डैड और मॉम हूं। मैं तुम्हें मॉम की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जबकि मुझे वो पल याद नहीं है, पर मेरे डैड हमेशा उन पलों को बड़े प्यार से बिताते थे कि मुझे ऐसा लगता था मानो वो उनकी यादें नहीं, मेरे लिए हसीन पल हो। अपना वादा निभाने के लिए उनकी कुर्बानियों ने मेरी दुनिया ही संवार दी। बच्चों, एक बात बताता हूँ, हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, ठीक है? अच्छा, 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 अच्छा। क्या अब वो कैसी है? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मेरी बेटी के लिए, उसका पहली बार है। क्या उसकी मॉम नहीं है? नहीं, उसे ये खरीदने की जरूरत नहीं। मुझे नहीं पता ना उसे कौन से वाले की जरूरत है, जो चाहिए होगा इसमें से ले लेगी। वो बहुत लकी है क्योंकि आप बहुत अच्छे फादर हैं। थैंक यू। वेलकम।
टैमी, तुम ठीक हो ना? मेरी तबीयत ठीक नहीं और आप शॉपिंग कर रहे थे? क्या है कि कुछ चीजों की अर्जेंट जरूरत थी इसलिए। आप ये बाद में भी कर सकते थे, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप बहुत इरिटेटिंग है। ठीक नहीं है। मदद करूं मैं? जरा ये धो दो। बेटी की तबीयत खराब हो तो कोई डैड काम नहीं करवाते हैं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम ऑल राइट हो, एकदम परफेक्ट। मुझे पता था, मुझे लगा कि आप मुझ पर चिल्लाएंगे। बहुत जल्द वो वक्त आएगा जब तुम मुझ पर चिल्लाओगी। डैड, अब मुझे पालने पोसने का लेक्चर मत शुरू कर दीजिएगा डैड प्लीज। तुम तो तभी बड़ी हो गई थी जब 6 दिन की थी, अब 16 साल की होने जा रही हो। तो ठीक 6:30 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। आए टैमी, बेटा कुछ? लड़कों से नफरत है मुझे। बता सकती हूँ इनमें से कौन सा फूल सबसे खूबसूरत है? तुम्हारी पहली नजर उसी फूल पर पड़ेगी जो सबसे अलग होगा। बॉयज भी ऐसा ही करते हैं, क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि वो अट्रैक्ट होंगे ही, बट तुम उसी को चुनना जो तुम्हारे लुक्स को नहीं बल्कि तुम्हारे मन को देखे जो कितना खूबसूरत है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि वो मेरी खूबसूरती देख रहा है, या फिर मुझे किस लड़के की तलाश है, ये कैसे पता चलेगा? अगर तुम लड़के के लुक से अट्रैक्ट नहीं होगी तो तुम खुद ही जान जाओगी। मुझे फिर भी उनसे चिढ़ है, नफरत है मुझे लड़कों से। अफसोस ये चिढ़ ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। Happy birthday, Tammy. हाँ, लाइफ का पहला ड्रिंक तुम मेरे साथ पियोगी। मतलब आप चाहते हैं पहली ड्रिंक पे मेरी बैंड बज जाए? तुम सबसे पहले मेरे साथ ट्राई करो,
फिर जो तुम्हें पसंद होगा वो पियेंगे। आपको कैसे पता मैं ये सब पहली बार कर रही हूँ? क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। पियो पियो। तो आपका फेवरेट विस्की? काफी मजा आया। क्या हुआ? मुझे लगा तुम्हें टेस्ट गंदा लगेगा। डैडी मैं आपकी बेटी हूँ तो मुझे ये कैसे गंदा लग सकता है? ये वाइन है ना? ये कमाल की चीज है। ये वोडका है ना? यस। इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। इसका कोई टेस्ट नहीं होता, इसमें जो मिलाओगे उसी का टेस्ट होगा। टेस्टी है पर बहुत हो गया। ओके, फाइनली तुम्हें क्या पसंद आया? विस्की, वाइन। आज वाइन ही थोड़ी थोड़ी पीती हूँ। गुड। कम। कहाँ जा रहे? अरे आओ तो। डैडी, डैडी आप सिगरेट पी रहे हैं? हाँ, क्या सच में? बिल्कुल। मैं ट्राई कर सकती हूँ? जरूर। फर्स्ट टाइम पी रही हो और खांसी नहीं आई, मतलब पहले भी? सॉरी डैड, बस एक बार पी थी मैंने। तो कैसी लगी थी? बहुत बुरी। गुड। इसकी लत बहुत बुरी होती है बेटा। एक मिनट रुकिए। तुमने अभी तो कहा कि ये बहुत गंदी है। गंदी तो है, लेकिन किस्मत से किसी बेटी को अपने पिता के साथ पीने का मौका मिलता है ना। मैं जानती हूँ गंदी चीज है, मैं फेंक देती हूँ। बेटा मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। डैड, मेरा कॉलेज सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है, मैं हर महीने मिलने आती रहूंगी, या फिर आप मुझसे मिलने आ जाना। डोंट वरी। जो दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारे ये उनमें से एक है। दूसरे दिन कैसे हैं बताइए? आर यू इन लव? अगर हो गया तो? कोई नहीं, लिमिट्स का ध्यान रखना। अगर वो लड़का तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो तुम्हारी लिमिट्स की रिस्पेक्ट करेगा। कैसे लिमिट्स? सेक्सुअल लिमिट्स। डैड, अगर औलाद गलत रास्ते पर जाती है तो उसे सही रास्ता दिखाना बाप का फर्ज होता है। हाँ, एक और बात, कोई ऐसा मिल जाए जो तुमसे वाकई प्यार करता है तो उसे मुझसे कंपेयर मत करना। तुम्हें हंसी आ रही ना? लेकिन ये सच है, प्रेमी को लड़कियां अक्सर अपने डैड से कंपेयर करती है, ये कॉमन है। बट पापा अलग है, बॉयज अलग है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं। लेकिन मेरे डैड सबसे अच्छे हैं। चीयर्स। हे, ये कितना कूल है, मुझे बहुत पसंद आया। तुम बिल्कुल परफेक्ट पैदा हुई हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम टैटू बनवाओगी तो मैं भी बनवाऊंगा। डैड, अब आपकी टैटू बनाने की उम्र नहीं रही। मुझे चैलेंज कर रही हो? हे डैड। ओ, मैं तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बात बताता हूँ। सभी लड़कों को लड़कियों और औरतों से जो सबसे बड़ी शिकायत होती है। टैटू की? सच में? मुझे आगे बोलने दोगी? सॉरी सॉरी सॉरी, आप कह रहे थे आदमियों को औरतों से यही शिकायत होती है? वो ये कि लड़कियां हमेशा अपनी ही बातें मनवाती हैं। कब किस करना है, कब नहीं, कब कुछ करना है, कब नहीं करना। करेक्ट। और जो लड़के उनकी चलने नहीं देते, समझ लो वो लाइफ पार्टनर बनने के लायक नहीं है। करेक्ट। मैंने इस तरह के बाप बेटी आज से पहले कभी नहीं देखे। आप अपनी बेटी से कितने फ्रैंक हैं? हाँ, वो तो है। डैड, आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा, चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं अपनी मनमानी कभी नहीं करूंगी। वो सब तो मैं यहाँ रह कर भी कर सकती थी। एक्चुअली मेरी फिक्र की कोई वजह नहीं है आपके पास। आई नो दैट। बेटा, पेरेंट्स जो बच्चों से दूर रहते हैं वो अपने बच्चों को वो फ्रीडम देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि मैं पिछड़ा हुआ हूँ। वो सारी चीजें जो तुम सोच भी नहीं सकती वो सब मैं कर चुका हूँ। तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए और अपनी ही गलतियों से सबक हासिल करने दीजिए। यस, पर जो गलतियाँ मैंने की है उससे एक्सपीरियंस लेने की क्या जरूरत? नई गलतियाँ करो, उससे एक्सपीरियंस लो। ये भी सही है। अंकल, मैं आपसे एक बात कहूँ? मेरे पेरेंट्स अभी अभी अलग हुए हैं, आप मेरी मम्मी को कॉल कीजिए ना। बाय डैड। बाय बेटा, टेक केयर, जाओ। ओके।
बाय अंकल। बाय। जब हमारे पेरेंट्स होते हैं ना तो हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, हमेशा उनसे शिकायतें करते हैं, लेकिन उसका भी अपना ही मजा होता है। बदकिस्मती से मैं कभी अपने डैड से लड़ नहीं पाई। जब वो मेरे साथ थे मेरा समय कैसे बीत जाता मुझे पता ही नहीं चलता। अब जब वो नहीं रहे तो मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। मैं उनके और अपने बर्थडे पे हमेशा रेस्टोरेंट जाती हूँ। ये टेबल खा लिया। हाँ। जो लड़की बैठी थी फोन भूल गई। हाँ? उसे देख रहेगा। या या। ओह, इतनी सारी ड्रिंक्स एक लड़की के लिए, मुझे तो अभी से अच्छी लगने लगी। क्या बोलता है, हाय बोल के आऊँ क्या? छोड़, रहने दे। उसे तूने बुलाया क्यों नहीं? जिंदगी ना बहुत छोटी है और बहुत बेरहम भी, इसलिए गलती से वो दूसरा मौका दे तो उस पे लपक पड़ो वरना सब खो दोगे। कभी कभी हम ऐसे ही किसी इंसान से टकरा जाते हैं जिसके बोल ही हमें घायल कर देते हैं और वो दर्द इतना सुकून देता है मानो कोई मिल गया हो। हम अपनी जिंदगी में ऐसे इंसान से टकराते जरूर हैं। किसी एक का इंतजार रहता है पर जिंदगी में पता नहीं कितनों से दिल मिलते हैं। आंखें लड़ती है, प्यार होता है, ब्रेकअप होता है, फिर आंखें लड़ती हैं, फिर प्यार होता है, फिर ब्रेकअप, और ये चक्कर चलता रहता है और हमें घन चक्कर बनाता है। लेकिन एक सेकंड, ऐसा मेरे साथ ही होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता रहता है? क्रिश, उससे मिलते ही मैं उससे कनेक्ट हो गई और उससे भी बड़ी बात, उसने मुझे समझा। जिस तरह वो मेरी जिंदगी में आया वैसा कभी किसी के साथ भी फील नहीं हुआ था मुझे। हे, वो मेरा है। इस पर कहीं आपका नाम नहीं लिखा। ब्लैक कॉफी विद ब्राउन शुगर प्रीमिक्स। ब्लैक कॉफी विद ब्राउन शुगर प्रीमिक्स। ठीक है, आप ये ले लीजिए। हाँ, ठंडी कॉफी मेरे लिए और गरम तुम लेके जा रहे हो, कितने चालाक हो तुम। एक कप कॉफी के लिए मुझे किसी बहस में नहीं उलझना, आप ये ले लीजिए, मैं ये लूँ? थैंक्स। मानेगा, मैं अरेंज मैरिज कर रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे आखिरी वार्निंग दी है। क्या संजू और अरेंज मैरिज? पर ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज इतनी भी बुरी चीज नहीं है। इस रिश्ते में प्यार बढ़ेगा तभी शादी करेंगे, ये सब इनसिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, पूरी गारंटी। अच्छा, तो जब बात शादी की आई तो तुझे खानदानी और संस्कारी लड़की चाहिए। बाकी खुद ने कितने भी गुल खिलाए वो सब भूल गया। वो टाइम याद है जब कोई लड़की नहीं मिल रही थी तुझे? रुक 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 रुक, कैसी घिसी पीटी बातें कर रहा है। मेरा भी पास था, उसका भी होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी ये है कि एक दूसरे को समझे, रिश्ता मजबूत रहे। बाकी देखते हैं, उससे मिलने जा रहा हूँ मैं, शायद बात बन जाए। हाय हाय, बधाई हो, आपको मिलाकर हमारे 1,00,000 पैसेंजर्स पूरे हुए हैं, इसलिए हम आपको फर्स्ट क्लास का टिकट फ्री दे रहे हैं। वाह, बहुत खूब, पर मैं पहले से ही फर्स्ट क्लास में हूँ। ओह, तो आप अपने ये पार्टनर को दे दीजिए। मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ। ओह, तो आप अपने किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं। मैंने कहा ना, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, अब शायद मैं ये अगली बार यूज कर सकता हूँ। ये ऑफर सिर्फ आज ही के लिए है, असल में हम आज ही सोशल मीडिया पर प्रमोट कर रहे हैं।
अब तो सर अपग्रेड कैसे करेंगे? Well, अच्छा एक काम करेंगे, वो लड़की दिख रही है इकोनॉमी क्लास में लाल बालों वाली, क्या आप उनकी सीट को अपग्रेड करके उन्हें फ्लाइट में मेरे बगल में बिठा सकती हैं? माफी चाहूंगी, ये पॉसिबल नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि उनकी फ्लाइट दूसरी एयरलाइन से है। अच्छा तो एक काम कीजिए, उनकी इस फ्लाइट की टिकट बुक करके उन्हें अपग्रेड कीजिए और फिर उन्हें मेरे बगल की ही सीट दीजिएगा, हो जाएगा ना? यस सर। थैंक यू। ये लीजिए। हैव अ गुड डे। ओके। ऐसा कभी मेरे साथ क्यों नहीं होता? तो बोलो क्या पियोगी? वोडका विद डाइट कोक। अच्छा वोडका और डाइट कोक, रियली? हाँ, इत्तेफाक से अगर मेरे पेरेंट्स और मेरे दोस्त टकरा गए तो उन्हें यही लगेगा कि मैंने कोक पिया है। लेकिन क्यों, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? छुपा कहाँ रही हूँ, अगर मैं पीऊंगी तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं। क्यों, एक वाइफ होने के नाते भी तुम्हें एतराज नहीं? मेरे ख्याल से तुम इंडियन और वेस्टर्न का परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो, मुझे ऐसी लड़की चाहिए थी। हाँ हाँ, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम भी वही हो जिसकी मुझे तलाश है? तुम कोई ऐसा ढूंढ रही हो जैसे वोडका पीने पे एतराज ना हो, तो वो मैं ही हूँ। जल्दी रहना प्लीज। थैंक यू। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप? हाय, एक्चुअली मुझे लगता है कोई गलती हुई है, मेरी दोस्त वहां उस सीट पर बैठने वाली थी। सर वो अपनी जगह पर बैठे हैं। आपके दोस्त का नाम क्या है आप बताइए, मैं चेक करके बताती हूँ। इट्स ओके। ओ वो रही मेरी दोस्त, क्या आप उसे यहाँ एक ड्रिंक के लिए बुला सकती हैं? जी बिल्कुल सर, लेकिन फ्लाइट उड़ने के बाद ही सर, प्लीज आप अपनी जगह पर बैठ जाइए। ओके। मुझे माफ करना दोस्त, मुझे फ्लाइट में डर लगता है। थैंक यू सो मच। ओके। हाय। हाय। एतराज ना हो तो मुझे कंपनी दोगी? हाँ जरूर। थैंक्स। आज का दिन मेरे लिए बहुत लकी है, मुझे फर्स्ट क्लास टिकट मिला। वाओ कांग्रेचुलेशंस। लेकिन तुम इकोनॉमी में बैठी थी? बताती हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश। क्रिश, तो क्रिश किसी को भी एयरलाइंस का टिकट ऐसे ही नहीं मिल जाता, वो भी किसी दूसरी एयरलाइन का। वैसे मान गई, तुमने कोशिश काफी अच्छी की, गुड बट नो थैंक्स। क्रेडिट कार्ड कंपनी की तरफ से तुम्हें एक मैसेज आया होगा, जो टिकट था ना मैंने उसका सारा पैसा रिफंड कर दिया है। बट ऑफ कोर्स मैंने वो टिकट रख लिया क्योंकि यही सबसे पहली फ्लाइट थी। मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, तुमने जो दिखावा किया उसमें मजा नहीं आया। दिखावा नहीं कर रहा था मैं। कोई बात नहीं, हैव अ ग्रेट फ्लाइट। ओ बुरा मत मानना, मैं ये ले जा रही हूँ, इकोनॉमी क्लास में ये सब नहीं मिलता ना। हाँ, कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम? टैमी। टैमी, ताजगी आ गई। ताजगी? मेरा नाम है या लेमन सोडा? मेरा वो मतलब नहीं था। बाय क्रिश। और क्या चल रहा है? मैं थोड़ा सा एप्पल जूस ले सकता हूँ? तुम्हें एप्पल जूस से डर नहीं लगता? पता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि अरेंज मैरिज करने वाला लड़का इतना ओपन माइंडेड होगा। पता है मजेदार बात क्या है, मैं भी ये सब कभी भी नहीं सोचता हूँ कि अरेंज मैरिज करने वाली लड़की कैसी होगी। किसी के बारे में कुछ सोचने से बेहतर है कि जो जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करो। और तुम ऐसा क्यों सोचते हो? खुद ही अपनी बात पे हैरान हो गया, मैं पहले ऐसा नहीं था। और तुम पहले कैसे थे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, इससे बिल्कुल अलग था। मतलब कैसे थे ये तो बताओ। अब तो ये बात पुरानी हो चुकी है, समझ लो कुछ ऐसा जो मैं भुलाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी वो याद आ जाता है। और तुम दोनों के बीच? अरे यार, पहली मीटिंग में सब कुछ जानना है तुम्हें। कम ऑन यार,
जिस तरह से तुम बोल रहे हो लगता है कि कुछ नहीं हुआ होगा। मैं रोमांटिक लाइफ डिस्कस नहीं करूंगा, बात खत्म। ठीक है, तुम ऐसा सोचते हो, इनफैक्ट ये तो सभी करते हैं। करते होंगे, लेकिन मैंने कभी नहीं किया। मैं जिनके साथ था उन्हें बदनाम नहीं करता। सुनकर अच्छा लगा। हाय। तुम यहाँ भी आ गए? तुम सिर्फ मेरे पास बैठने के लिए फर्स्ट क्लास से यहाँ आ गए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? इससे पहले कि तुम्हें गलतफहमी हो, मैं बता दूं कि यहाँ जो बैठी थी वो मेरी आंटी है। मुझे नहीं पता था वो इसी फ्लाइट में है, तो उन्हें यहाँ बैठा कर मैं फर्स्ट क्लास में तो नहीं बैठ सकता था। सच कह रहे हो? तुम सिर्फ यहाँ बैठने के लिए कहीं झूठ तो नहीं कह रहे? तुम काफी फ्रेश लग रही हो। 8 घंटे इकोनॉमी की सीट पर लगातार बैठने के बाद लोगों की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। पर फिक्र मत करो, यहाँ वो लोग हमें जो भी सर्व करेंगे वो सब फर्स्ट क्लास से होगा। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, खत्म हो ही जाता है। बातें बनाना तो खूब जानते हो, क्या तुम अब डायलॉग बाजी थोड़ी कम करोगे? यार मुझे एक बात बता, ये औरतें हमेशा हम मर्दों को बदलना ही क्यों चाहती हैं? बदलती नहीं, सुधारती हैं। ये भी सही है। मेरे मुंह पे कुछ लगा है क्या? यकीन नहीं हो रहा, तुम काफी जल्दी मान गए बिना किसी बहस के। तुमने बात अगर सही कही है तो फिर बहस करने की क्या जरूरत है? चलो एक बात तो तय है। वो क्या? या तो तुम जानबूझ के मेरी हर बात मान रहे हो, या वाकई हमारा तालमेल काफी अच्छा है। दो लोगों के किसी बात पर राजी होने से ये जरूरी नहीं कि उनका तालमेल भी अच्छा हो। हाँ ये भी सही है, मैं तुमसे सहमत हूँ। किसी की बात से राजी होना उतना मुश्किल नहीं है अगर हम ध्यान से सुने सामने वाला क्या कह रहा है। बट बहुत से मर्द सिर्फ सुनने का नाटक करते हैं, उनका ध्यान कहीं और ही होता है, पता नहीं वो क्या सोचते रहते हैं। इसमें सोचना क्या है? उसी बारे में सोचते हैं। हाँ। रात दिन उसी बारे में? हाँ, 100%। सच में? मर्दों का दिमाग ऐसा क्यों है? इसमें हमारी गलती नहीं है, ऊपर वाले ने हमारा दिमाग बहुत सिंपल तरीके से बनाया है। या तो मर्दों को खाने की भूख लगती है या फिर लड़कियों की, तो तुम लोग जो भी कहो हमारा दिमाग वहीं चला जाता है। पर हम ऐसा कुछ कहती नहीं है। लड़कियां चाहे जो भी कहे हमारे दिमाग में वही ट्रांसलेट होता है। रुको, तो फिर जो मैं कह रही हूँ तुम भी वही सोच रहे हो क्या? बहुत पिटोगे तुम। तो लंदन में रहते हुए भी तुम ये इंडियन ड्रेस क्यों पहनती हो? इंडियन ड्रेस पहनने या ना पहनने से क्या फर्क पड़ता है? मेरे पेरेंट्स ने मेरी परवरिश अपने तरीके से की, ना ही मैं कभी उनके खिलाफ गई और ना ही मैंने कभी भी उनकी कोई भी बात टाली। फिर भी मुझे जो अच्छा लगता था मैं बस वही करती थी। अच्छा, तो फिर अपनी मर्जी से क्या करती हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं अपने बारे में सब कुछ बता दूँ? मैं कैसी जिंदगी जीती थी, मेरे बॉयफ्रेंड्स कौन थे, मेरे अफेयर्स कितने थे, सब कुछ बता दूँ? अगर एक लड़की बता देगी ना तो उसकी शादी कभी नहीं होगी। सच बोलो तो सही, देखना सब कुछ हजम कर लूंगा। इंसान अपने बारे में सिर्फ भगवान के सामने ही कहता है, ना कि अपने होने वाले भगवान के सामने। ठीक है, शादी के बाद तो बताओगी ना? उतना ही जितना तुम बताओगे। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ? और तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं सच बोल रही हूँ? एक बात कहूँ, शादी का तो पता नहीं लेकिन हम लोग दोस्त बहुत अच्छे बनेंगे। हेलो, मैंने अपने पेरेंट्स से अपने दोस्तों की लिस्ट बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है, उसके लिए सोशल मीडिया है ना। इसी बात पर चीयर्स। एक्चुअली मर्दों के हर एक सवाल में अलग मतलब छुपा होता है। मतलब? कोई मर्द कहे कॉफी पीने चले, उसका मतलब? कॉफी छोड़ो, चलो कुछ और करते हैं। राइट। डायरेक्टली क्यों नहीं बोलते? डायरेक्टली? ऐसे डायरेक्टली बोलने लगे तो सोसाइटी में रह ही नहीं पाए। हो सकता है सोसाइटी को प्रॉब्लम ना हो, मे बी डायरेक्टली कहने से सोसाइटी भी खुशी से कबूल कर ले। चलो एक काम करते हैं। इस वक्त तुम्हारे दिल में जो भी है वो तुम मुझसे बेझिझक बोल दो। किस बारे में?
मेरे बारे में? नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों? जो भी तुम सुनना चाहते हो वो इतनी जल्दी कहना ठीक नहीं है। हर चीज का एक वक्त होता है ना। बहुत खुशी हो रही है? नहीं। कितनी ताज्जुब की बात है। लेकिन देखो, तुम इस वक्त कुछ महसूस कर रही हो, लेकिन तुम्हें वो मुझसे कहना नहीं है, क्योंकि तुम एक औरत हो, है ना? औरतों का बात करने का अपना एक अलग अंदाज होता है। तुमने कहा दिल की बात डायरेक्टली बोलनी चाहिए, पर तुम ऐसा कर नहीं पाई, है ना? मतलब लोग अगर अपने दिल की बात डायरेक्टली किसी से कह पाते तो तुम भी कह देती, राइट? मेरे ख्याल से तुम दिखने में तो अच्छे हो, बात भी अच्छी कर लेते हो तुम। काश तुम्हारी उम्र कम होती और तुम्हारी शादी नहीं हुई होती। ओ, मैं क्या बक रही हूँ, लगता है चढ़ गई है। मुझे इतनी तारीफ की आदत नहीं है। और ये रिंग, ये मेरा सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच? हाँ, जिन्हें मैं पसंद नहीं करता ये उन्हें मुझसे दूर रखता है, जिन्हें पसंद करता उन्हें पास लाता है। मतलब तुम शादीशुदा नहीं हो? डिवोर्स हो चुका है। तो अब तक ये रिंग क्यों पहनी है? अभी तक डिवोर्स के बारे में लोगों को बताया नहीं। बताया नहीं, लेकिन क्यों? मेरी एक्स वाइफ कुछ कंपनीज की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसीलिए चीजें फाइनल होने तक हम शेयर होल्डर्स का विश्वास खोना नहीं चाहते थे। स्टॉक मार्केट पे असर पड़ सकता था, तो हमने इसे एक राज ही रखा। ये काफी बोरिंग कहानी है। कौन सी कंपनी? कई कंपनीज हैं। किसी एक का नाम तो बताओ, हो सकता है मैं जानती हूँ। एजिस यांस। एजिस यांस, द परफेक्ट मैन। लेकिन वो तुम्हारे लायक नहीं होगा। तो तुम्हारी एक्स वाइफ ने तुम्हें कितने पैसे के लिए फंसाया था? What? जब लोग ये बात जानेंगे तो ऐसे सवाल पूछेंगे ही तुमसे। कुछ कह नहीं सकता क्या हुआ या फिर क्यों हुआ, क्या कहूं? चलो बताओ क्या हुआ था। शॉर्ट में बता देता हूँ, हम दोनों की सोच एक दूसरे से अलग है। अब वो लड़की नहीं है जिससे मैंने शादी की, लेकिन ना कभी उसने पैसों की डिमांड की और ना ही कभी मुझे फंसाया। तो मिसेस क्रिश, आई मीन एक्स मिसेस क्रिश, आखिर चाहती क्या थी? मैं कभी समझ नहीं पाया। ना कभी मुझे उसकी कामयाबी से जलन हुई, ना मैंने उसे रोका, ना मेरा मेल ईगो बीच में आया। सच कह रहे हो? सच कह रहा हूं। तो तुम्हारे कोई बच्चे नहीं है? 6 साल की बेटी है। वाओ, क्या हुआ? सारे अच्छे आदमी या तो शादीशुदा होते हैं या तो फिर गे होते हैं। खैर, ये तो पुरानी बात है, अभी की लिस्ट में बच्चों वाला पति ऐड करना पड़ेगा। हर इंसान के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कि जिम्मेदारी। और तुम पर बहुत भारी जिम्मेदारी है। काश हम जिंदगी में इससे पहले कहीं टकराते। तब तो मैं तुम्हारे लिए बहुत छोटी होती, वैसे भी अब भी तो छोटी ही हूँ। लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। एक्चुअली अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो भी चल जाता, और शायद तुम्हारा बच्चा नहीं होता तो भी। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, तो अरेंज मैरिज में ये कब पता चलता है कि ये लड़का मुझे पसंद है या ये लड़की मुझे पसंद है, कुछ आइडिया है तुम्हें? इसके लिए मेरे पास एक तरीका है। अच्छा? जब भी मैं किसी लड़के से मिलती हूँ तो मैं उसके हिसाब से मार्क्स देती हूँ। अगर उसे 10 में से ये कह लो कि 8 या 9 मार्क्स मिले तो मैं उसे हाँ कहती हूँ। तो मुझे कितने मार्क्स मिले? देखो, फिलहाल तो मैं तुम्हें कोई मार्क्स नहीं दे सकती। असल में तुम्हारे अंदर कुछ प्लस पॉइंट्स भी हैं और माइनस पॉइंट्स भी हैं। ओके, तो मैं क्या समझूं मुझे माइनस पॉइंट्स मिले? वो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी, तुम खुद गौर करोगे तो समझ जाओगे। मुझे इंप्रेस करो। ठीक है, सीरियसली बताओ कितने मार्क्स दिए? मुझे पता है तो मुझे लाइक करती हो, बताओ। 7 मार्क्स, लेकिन बहुत जल्दी 10 में से 10 मिलेंगे। वाह, 10 में से 10। हाँ? वैसे अगर तुम मुझे 8 भी देती ना तो मैं खुशी खुशी उसे कबूल कर लेता। देखो, वो आम लड़कियों को चलता है, लेकिन मुझे 10 में से 10 चाहिए। 10 में से 10 जो हुक्म मेरा आका। ओके, और तुमने मुझे कितने मार्क्स दिए हैं? तुम्हारे मार्क्स? तुम्हें पता है हम पिछले 6 घंटों से नॉनस्टॉप बातें कर रहे हैं। सच में? मुझे लगा था इस जर्नी में बोर हो जाऊंगी मैं। मैंने भी यही सोचा था,
मुझे नहीं लगता तुम्हें इस इकोनॉमी सीट पर नींद आने वाली है मिस्टर फर्स्ट क्लास। मैं उतना बिगड़ा हुआ नहीं हूँ जितना तुम्हें लगता है। ठीक है ठीक है, जल्दी से सो जाओ। ओके, गुड नाइट। अगर मुझे ऐसे घूरोगी तो प्यार हो जाएगा। मैंने कब घूरा तुम्हें? मैं जानता हूं कि तुम मुझे ही देख रही हो। देखा ना? कहीं ये मेरी नजरों को गलत ना समझ बैठे। क्या तुम समझ गए मैं क्या सोच रही थी? अजीब पागलपन है। अब बस भी करो, ऐसे मत देखो। क्या सोच रहे हो तुम? कितनी खूबसूरत है। हाँ, क्या तुमसे कभी किसी ने कहा है कि तुम बहुत खूबसूरत हो? सच कह रहा, आई मीन इट, तुम बहुत प्यारी हो। मैं अपना नंबर दे सकता हूँ? या श्योर। ये सफर बहुत यादगार था, तुम कहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। नो नो थैंक्स। हाँ, फर्स्ट क्लास में इतना एंजॉय नहीं करता। नेक्स्ट स्टॉप बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। I'm sure you'll like it. It's awesome. हाँ, exactly, सही कहा। Absolutely. तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस कैसे है क्रिश? जल्दबाजी क्यों करूं? जिंदगी भर साथ निभाना है। मैंने कहा था ना, हम कभी एक नहीं हो सकते। तो तुम इतने दिनों से मेरे साथ क्या कर रही हो? अभी इस वक्त मेरे साथ क्यों? तुम मेरी कमजोरी हो, लेकिन अब मैं कमजोर नहीं पड़ना चाहती। हमारे रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? मुझे अफसोस होता है कि मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तुमने कहा था, लेकिन मुझे अपने प्यार पर पूरा यकीन था। क्रिश, मैं सोचती हूँ काश तुम्हारी उम्र कम होती, तुम्हारा डिवोर्स नहीं हुआ होता, तुम्हारी बच्ची नहीं होती। मुझे अपने बच्चे चाहिए। इस पर तो हमने कभी बात तक नहीं की। हर लड़की का सपना होता है ये, दो बच्चे होंगे, हमारे बच्चे। भले तुम्हें एतराज ना हो, पर संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। मैं खुद कम उम्र की हूं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं अकेली नहीं ले सकती हूं। मुझे माफ कर दो क्रिश, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम्हें मेरे अंदर कौन सी कमी दिखती है। तुम में कोई कमी नहीं है, बस मैं तुमसे उतना प्यार नहीं करती जितना तुम मुझसे करते हो। लेकिन मैं तुम्हारी बहुत कद्र करती हूँ, क्योंकि तुमने मुझे कभी भी किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं किया। थोड़ा जोर देना चाहिए था ना। हमारे बीच सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ तो गलत लगता है मुझे। ऐसा लगता है सबका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कुछ तो मतलब जरूर है। मुझे पता है तुम्हारी तरह चाहने वाला मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मिलेगा? ना तो मुझे तुम्हारी तरह कोई समझने वाला मिलेगा। ये भी सही है। तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम्हें लगता है तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी और मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? ओह गॉड, इतनी उलझनों में मुझसे प्यार करने की क्या जरूरत थी? मेरे दोस्त बनकर क्यों नहीं रह सकते? मैं क्यों कमजोर पड़ रही हूं मुझे समझ नहीं आ रहा। इसी को प्यार कहते हैं। एक्चुअली हम मर्द ही तुम औरतों से ज्यादा इमोशनल होते हैं। तुमसे अच्छे रोमांटिक सॉन्ग्स लिखते हैं, तुमसे बेहतर कविताएं लिखते हैं, रोते भी तुमसे ज्यादा है। इस सब की वजह भी तुम औरतें हो और इस सब की प्रेरणा भी। हाँ,
हर ब्रेकअप के पीछे मेरी गलती नहीं हो सकती। अगर हम खुद के लिए जीना चाहते हैं तो हमें कम से कम खुद से तो सच बोलना ही चाहिए, चाहे वो कितना भी कड़वा हो। दुनिया में ना कुछ भी हो सकता है, पर एक औरत अपनी गलती माने ये कभी नहीं हो सकता। और क्या होता है आप भी जानते हो, गलती भले ही औरत की क्यों ना हो, सॉरी तो आदमी ही बोलता है। आदमी दूध का धुला है ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, पर वो चाहता है कि वो सुकून से जिए इसलिए सॉरी बोलता है। मुझे खुद के साथ इंसाफ करने के लिए कभी कभी कड़वा कहना पड़ता है, और कृष के साथ ब्रेकअप करने के बाद मुझे खुद से नफरत होने लगी थी। हर किसी को कभी ना कभी औरतों से इतनी चिढ़ मचती है कि दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं भाग जाए, लेकिन कभी कभार ऐसे दिल जीतती है कि दिल करता है उसके गुलाम बन जाए। उसकी शिकायत सुने, उसे यकीन दिलाए कि सब ठीक हो जाएगा, कस के उसे गले लगाए और कसम खाए कि हम सुधरेंगे। और देखो ना, हम भूल जाते हैं कि प्यार का मतलब लेन देन नहीं होता है। उसकी बात सुननी चाहिए थी। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं परफेक्ट हूँ, और ना ही मेरे पास हर सवाल का जवाब है। क्या मैंने नहीं कहा मुझसे भी कुछ गलतियां हुई हैं? मुझे पता है मुझे कृष की तरह कोई नहीं चाह सकता। मुझे उम्मीद है वो मुझे माफ कर दे। क्या अब मुझे दोबारा प्यार मिलेगा? बोरिंग बैचलर पार्टी है कसम से। ए संजू चलना पार्टी करते हैं। तुम लोग अय्याशी करो, मैं ये सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अरे यार ये बैचलर पार्टी कितनी ठंडी चल रही है। तुम लोग भी ना। अरे भाई मेरी शादी हुई नहीं, होने वाली है, जाना लड़कियों से बात कर, शायद सेट हो जाए, ट्राई तो कर। हाँ क्यों नहीं, मेरा ही तो इंतजार कर रही है कि कब मैं उसके पास जाऊँ और वो मेरी झोली में गिरे। कुछ भी बोलता है। मुझे लगता है अब मुझे नन बन जाना चाहिए। बकवास मत करो। कल रात में मैं यूट्यूब पर एक बहुत अच्छी फिल्म देख रही थी। फिल्म का कॉन्सेप्ट ऐसा था कि हीरोइन हीरो से परेशान होके सब कुछ छोड़ छाड़ के नन बन जाती है। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता, हमें दिल की सुननी चाहिए। एक समझदार लड़की ऐसा ही करती है। मैं लड़कों से बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ यार। मेरी जिंदगी में जो लड़का आता है उसके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। सच कहूं तो हम लोग कितने सिंपल और परफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशंस है ही नहीं जिंदगी में। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। यही तो मेरे भाई, हम लड़कों की यही तो प्रॉब्लम है। दुनिया में ना जाने कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं, लेकिन हम सिर्फ उसी पर नजर डालेंगे जो हम पर नजर नहीं डाल रही है। ये कोई बात हुई क्या? अब चलो वहाँ पार्टी हो रही है, जल्दी चलो वहाँ चलते हैं। हाँ आओ आओ, चलो चलो चलो, चल रहे चल रहे यार। देखो कोई अपनी शर्ट भूल गया। आराम से, लड़कों की बैचलर पार्टी दिलचस्प है ना? जाहिर सी बात है, लड़के खूब पिएंगे और किसी के साथ एक रात गुजारेंगे बैचलर पार्टी में, और होता क्या है? तुझे भी वही चाहिए क्या? लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं। टी-शर्ट भूल गया यार, अभी लेकर। ए तू रुक, मैं लाता हूं। चल चल। थैंक्स। पहली ड्रिंक पीते ही टी-शर्ट भूल गया, कहीं पार्टी खत्म होने तक नंगा मत हो जाना। हे हाय, मेरे दोस्त की टी-शर्ट थी यहाँ पर। ओके थैंक यू, बाय बाय बाय। थैंक यू। डांस। टेमी, किसी ने अपने घर पर पार्टी रखी है और सबको इनवाइट किया है। देखो कोई वाकई अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगा, और बहुत पैसे वाला भी।
तुम्हें नहीं लगता कि ये बैचलर पार्टी होगी? बैचलर पार्टी है तो मुझे नहीं जाना। अरे यार चलकर देखते हैं ना। देखो प्लीज अब तुम मना मत करना। प्लीज जेमी प्लीज। ओके आपको पता है मैंने इस औरत से 40 साल पहले शादी की थी। वो वाव। आप में से भी कुछ लोगों को ये अजीब लगेगा, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। शादी को सिर्फ 4 साल हुए हैं और उसका तलाक हो रहा है। मानना पड़ेगा अंकल आंटी को, बेटे पे लानत है यार। वहाँ पानी में ना कूद के मर जाना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मैं पुराने ख्यालात का हूँ, मैं आउटडेटेड हो गया हूँ, लेकिन मुझे प्यार में यकीन है। मैं 40 सालों से प्यार में हूँ, वो भी एक ही औरत के प्यार में। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पैसे कमाए। तो तुम यहाँ एंजॉय करो, मैं बस अभी आती हूँ। मेरी बीवी है। Oh, आज हमारी शादी के पूरे 40 साल हो गए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कम से कम एक नौजवान के लिए प्यार और जिंदगी की प्रेरणा बन सकूं, ताकि वो भी एक ही औरत के साथ अपनी जिंदगी बिता सके। सो चीयर्स, पार्टी एंजॉय करें। मुबारक हो, शादी कब है? ये मैं शादी नहीं कर रहा। ये स्पीच सुनने के बाद रिश्ता तोड़ लिया क्या? आने से पहले ही तोड़ चुका हूँ। दोस्तों को बताने में देर हो गई, सारे टिकट्स बुक थी, तो सोचा चलो बैचलर्स पार्टी कर लेते हैं। शादी टूटने का जश्न मनाने आए हैं। अच्छा है, यहाँ ये अपनी शादी की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं और तुम 4 दिन के टूटे हुए रिश्ते को सेलिब्रेट कर रहे हो? ये कमाल सिर्फ तुम ही कर सकते हो। फिर शुरू मत हो जाना, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा अगर तुम शांति से मेरी बात सुनोगी। स्टार्टिंग से सुनाओगे? हाँ बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। तो बहुत खूब, फिर क्या हुआ? थोड़ा सांस तो लेने दो, प्राची आई है, हाय तो बोलूं। अब ये क्या बात हुई, मैं 5 मिनट के लिए क्या गई, तुम तो 2 साल पीछे ही चली गई। वाह, शॉल में लपेट के दिया, फिर से मिलकर अच्छा लगा। मुझे हेलो यार, ये सिर्फ मुझे इतना बता रहा है कि इसकी सगाई क्यों टूटी। ओह तो ये बैचलर पार्टी वाला है। ए चुप कर यार, असल बात तो अभी बताने जा रहा है ये, तुम बताओ। पक्का तुम्हें एतराज नहीं है? सच में मुझे कोई एतराज नहीं, पर तुम्हें नहीं लगता शादी से पहले हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए? आओ, इंतजार क्यों कर रहे हो? तो ये बताओ कमी किसकी तरफ से रह गई थी? जी जी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब कम से कम 5 साल तक बच्चे नहीं करेंगे, सिर्फ जिंदगी एंजॉय करेंगे। इसका मतलब है तुम्हें अभी बच्चे चाहिए, इसलिए रिश्ता तोड़ा? हाँ चाहिए, मतलब कभी ना कभी तो चाहिए, पर ब्रेकअप की वजह ये नहीं थी। पागल हो क्या, लड़कियों का ड्रॉ कौन खोलता है? तुम्हें कभी भी लड़कियों के पर्स, ड्रॉ, सेलफोन, अलमारी में नहीं झांकना चाहिए, पता नहीं है? अच्छा हुआ जो तुमने इसे छोड़ दिया, वरना आज बहुत दुखी होती। मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। क्या कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं, ड्रॉअर खोला फिर। अब समझ में आया तुमने रिश्ता क्यों तोड़ा, क्योंकि वो तुमसे भी ज्यादा तेज निकली। कुछ भी, तो आखिर क्या बात थी बताओ ना। हुआ ये था कि बार बार फ्लैशबैक दिखा के थक गया, सीधी बात बताता हूँ। असल में उसकी हर बात झूठ थी, माँ बाप के लिए कुछ और, दोस्तों के लिए कुछ और, सोसाइटी के लिए कुछ और। उसकी असलियत थी क्या ये तो मैं भी कभी नहीं समझ पाया, मुझे लगता है वो भी नहीं जानती होगी वो क्या है। ऐसी उलझी हुई इंसान से शादी करके मैं अपनी जिंदगी और उलझाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने शादी से पहले मना कर दिया। तो बस I'm sorry. उसने कैसे रिएक्ट किया? इतना मजा पहले किसी ब्रेकअप में नहीं आया। तो फिर तुमने अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर पार्टी करने का सोचा, बड़ा अच्छा फैसला किया, तुम्हारा प्लान एकदम मस्त है। लेकिन कोई भी 2 साल पीछे नहीं जाना चाहेगा, क्यों?
मुझे तुम्हारे दोस्तों में कोई दिलचस्पी नहीं और अब ये तुम्हारी कुछ नहीं लगती, इसलिए बस यहाँ से खिसको। चलो टैमी। वो बस यूं ही मजाक कर रही थी। तुम्हारी लाइफ में कितनी सारी लड़कियां आई ना, पर मुझे छोड़कर बाकियों के साथ तुमने वो सब किया जो तुम चाहते थे। देखो फिर भी तुम अकेले रह गए। शायद तुम्हें लगता है लड़कियों के साथ संबंध बना लेने के बाद तुम उन्हें जान जाते हो, लेकिन वो असल में क्या चाहती हैं ये तुम कभी नहीं जान पाते। कभी कभी सोचता हूँ तब हम एक दूसरे को समझ लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल सही। कितनी मजेदार बात है ना, सालों से हमने बात नहीं की और आज बात करके दिल नहीं भर रहा। हम दोनों भी अजीब नमूने हैं, नहीं? और सबसे बड़ी नमूनी ये सर पे खड़ी है। हाँ, क्या चाहिए? हमारा इक्वेशन पुरानी जींस की जोड़ी की तरह है, कितना भी टाइम हो जाए कंफर्ट उतना ही देती है। चलो बाय। यहाँ कब तक रुकी हो? दो दिन। हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या? एक्सक्यूज मी, हम यहाँ खड़े रहकर तुमसे बात कर रहे हैं ना, यही सबसे गलत बात है। मतलब हमारी पीढ़ी वो कुछ गलत कर रही है क्या? वो अंकल आंटी देखो सालों से साथ है और हमें देखो। तुम मेरा पहले ही मजाक बना चुके हो कि मैं बहुत ओल्ड फैशन्ड हूँ, भूल गए क्या? पर मुझे खुशी है कि तुम्हारी सोच बदल चुकी है। टैमी सीरियसली, उस जमाने के लोगों का रिश्ता इतना लंबा कैसे टिकता था और हमारा तो कुछ ही दिन में खत्म हो जाता है। तो मेरा दोस्त एक ऐप बना रहा है ब्रेकअप्स के लिए और डिवोर्स कराने के लिए। हमने बात शुरू कर दी तो खत्म नहीं होने वाली। मुझे दो दिन दे दो। व्हाट? प्लीज सिर्फ दो दिन। क्या? फिर एक मौका दे दो तुम्हारा दिल जीतने का, क्या पता हम फिर से एक हो जाए। कोई भी मॉडर्न बकवास नहीं करूंगा, सब कुछ पुराने जमाने की तरह करेंगे। मुझे पता है वही तरीका तुम्हें भी पसंद है, शायद उस तरीके से कामयाबी मिल जाए। एक ही बार जिंदगी मिलती है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हमें एक मौका दो, मतलब मुझे एक मौका दो, मैं उसकी तरह बनूंगा। बस एक मौका दो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार है उसे एक बार तो जताने का मौका दे दो। ओल्ड फैशन रोमांस, अगर प्यार नहीं जगा पाया तो चली जाना तुम, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सोच के बताती हूं। हेलो, उन अंकल के जमाने में लड़के तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं करते थे। सबसे पहले वो लड़कियों का दिल जीतते थे, उसके लिए वो हमेशा सच बोला करते थे, और तुम तो एक नंबर के झूठे हो, एक बार सच बोलकर देखो। शायद उसने पुराने दौर के इश्क को दिल पर ले लिया। आज के दौर में जहाँ लड़के असली गुलाब देने के बजाय व्हाट्सएप पर इमोजीज भेजते हैं, वही इस महाशय ने इनविटेशन भेजा है। हे, ये क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हमारे सामने जो है उसे छोड़कर फोन पर मैसेज से बात करने में ज्यादा बिजी रहते हैं। नहीं, तुम करो करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, फोन ही बंद कर देती हूँ। थैंक यू। मुझे तुम एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आता कि लोग खाने की फोटो खींचकर फेसबुक ट्विटर पर क्यों डाल रहे हैं। चुपचाप खाने का मजा लो ना यार, और कोई क्या खाता है उससे हमें क्या मतलब। मेरी माँ अगली बार ना खाली प्लेट की फोटो खींचकर अपलोड कर देंगे। ओके,
कौन हो तुम? कौन हो तुम? संजू कहाँ है? क्या किया उसके साथ? भगा दिया उसे। जब हम साथ में थे तब तुम इतने मैच्योर होते तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन एक तुम थे जिसके दिलो दिमाग में सिर्फ वही चलता रहता था। सबसे पहली बात, तुमने मुझे नहीं छोड़ा था, मैंने तुम्हें छोड़ा था। एक बात बताऊं, समझदारी ऐसे ही नहीं आई, इतने सालों में जो तकलीफें सही है ना, उनसे गुजर कर, उनके साथ दिन रात जूझ कर, इतने तजुर्बे के बाद समझ आई है, पर अब भी लगता है जिंदगी को समझे नहीं। स्लाइडिंग डोर्स? स्लाइडिंग डोर्स मतलब? हर कदम पर हर फैसला जो हम लेते हैं या फिर नहीं लेते, वो हमारी जिंदगी बदल देती है। जब हम ट्रेन के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और फिर भी ट्रेन छूट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक ट्रेन छूट गई, जिंदगी का एक हिस्सा गुजर जाता है। टैमी, अगर उस दिन हम लोग अलग नहीं हुए होते तो क्या लगता है आज हम क्या होते? शादीशुदा, शायद हमारे बच्चे भी होते। समझ गया। अच्छा, हमारे ब्रेकअप के बाद तुम्हें ऐसा कोई तो मिला होगा जो तुम्हें पसंद आया होगा? बस एक ही इंसान मिला था। ठीक है, तो अगर तुम्हें चुनना हो उसके बीच में और मेरे, तो शुरुआत में जो संजू मुझे मिला था ना, उसके साथ कोई चांस नहीं। लेकिन आज तुम बदल गए हो तो थोड़ा चांस है कि कुछ हो सकता है। थोड़ा चांस है? मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा प्लीज। ये संजू जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, इसकी क्या गारंटी? फिलहाल घर चलो। बात तो तुम्हारी भी सही है। एनीवेज, ब्रेकफास्ट? हाँ, तुमने कभी भी किसी ऐसी लड़की के साथ ब्रेकफास्ट किया भी है जिसके साथ तुमने कुछ नहीं किया, जिससे तुम्हें कुछ हासिल ना हुआ हो? पहली बार कर रहे हो ना ऐसा? नहीं टैमी, मैं तुम्हारे साथ पहले भी कई बार ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। मेरी बात में दम है? तो मेरी एक्स फियांसे मार्क सिस्टम पे चलती थी। उसका कहना था कि अगर कोई 10 में से 10 लाए, वही शादी के लायक होता है। तो वो खुद 10 में से 10 वाले के हाथ से निकल गई? ऐसा कैसे कर लिया उसने? हाँ, बहुत तेज है वो। कैसी बातें कर रही हो? सॉरी सॉरी, मजाक कर रही हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बताओ कि तुम मुझे 10 में से कितने मार्क्स दोगे? अच्छे से सोच कर बताना। इस तरह खुद की बोली मत लगाओ। लाइफ में जो चीज होनी होती है वो होकर रहती है। ये जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जो एकदम से ट्विस्ट आ जाएगा, क्लाइमेक्स आ जाएगा। हीरोइन को एहसास होगा कि मुझे इसी की तलाश थी। अनफॉर्चुनेटली ये रियल लाइफ है, इसमें ऐसा नहीं होता। समझ गया टैमी। तो तुम ही बताओ कैसे होगा? मुझे नहीं पता, ये सब बस हो जाता है। ये 2 दिन तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन अब छुट्टियां खत्म हो गई, अब रियल लाइफ में वापस जाना पड़ेगा। अब मुझे अपना फोन ऑन करना पड़ेगा और फिर पहले जैसी जिंदगी जीनी पड़ेगी। ओके, मेरी बात सुनो। तुम कहना चाहती हो कि असली जिंदगी का मतलब है फोन ऑन करना, उसके मैसेजेस पढ़ना, ऑनलाइन जाना, क्या सच में? ये कैसे? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती सच में। मैं चाहती हूँ मुझे वो एहसास हो, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा नहीं हो रहा है मेरे साथ। और इस एहसास के लिए मैं खुद को फोर्स नहीं कर सकती संजू। टैमी,
क्योंकि तुम हो ही इतनी खूबसूरत कि वो अट्रैक्ट होंगे ही, बट तुम उसी को चुनना जो तुम्हारी खूबसूरती को नहीं बल्कि तुम्हारे मन को देखे जो कितना खूबसूरत है। मुझे उनसे चिढ़ होती है, नफरत होती है लड़कों से। पता नहीं था कि असली जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। मेरी सिक्स सेंस बिल्कुल सही थी। ये तुम्हारे सिक्स सेंस नहीं है, मेरी परफ्यूम की खुशबू है। वो देखो, ये वही जगह जहाँ उस बूढ़े ने 40 साल बाद बीवी से प्यार का इजहार किया। सोचो इन 40 सालों में उन्होंने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, पति के रूप देखे होंगे, फिर भी आंटी ने उन्हें छोड़ा नहीं। मानना पड़ेगा। हे, तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? मैं यही कह रही हूँ कि तुम्हारे साथ 40 साल जीने के लिए मेरे पास भी तो कोई एक अच्छी वजह होनी चाहिए ना। और मेरे साथ 40 साल ना जीने की कोई अच्छी वजह है तुम्हारे पास? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी शादी हो चुकी है। तुम रोज की तरह ऑफिस गई हो और थक कर वापस आई हो। हाँ डेविड, मैं बस अभी करती हूँ, मैं अभी घर पहुंची हूँ। हाँ, मैं रोज इतनी मेहनत करती हूँ और तुम मजे से पार्टी कर रहे हो। अरे नहीं 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 डार्लिंग, मैं तो दिन भर हमारे बच्चे सैमी को संभाल रहा था। आहा, तुम्हें एक बात बताऊं क्या, मैं अब तक हमारी शादी नहीं हुई है और ना ही कोई बच्ची है। बच्ची को कैंसिल क्यों किया? प्लीज सिर्फ 2 मिनट दे दो, अच्छी तरह समझाऊंगा, ठीक है? पति को सेवा करने दो। तुम्हारा फेवरेट खाना बनाया है, सैमी का होमवर्क करके दिया, मतलब होमवर्क करवाया मैंने, घर और ऑफिस के सारे काम कर चुका हूँ, अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या चाहिए? एक मिनट रुक जाओ, शादी के बाद हम मेरे घर पर रहेंगे। अरे तुम्हारे घर का लोकेशन बताना इजी है ना, अब नए घर का नक्शा बनाने में कितनी मुश्किल होगी। अच्छा छोड़ो, शादी के बाद हम अपने मकान में रहेंगे हमारे कुत्ते के साथ। मुझे कुत्ते पसंद नहीं है। तो बिल्ली ले लेंगे। बिल्ली से एलर्जी है। तो पेट भी कैंसिल, सिर्फ तुम मैं और हमारी बेटी रहेगी। पर सोचो अगर शादी नहीं की तो। क्या बकवास है, मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई तो किसी के साथ नहीं होगी। सब्र से सुनो तो सही, पूरी बात नहीं कही, आगे सुनो। सबसे पहले तुम्हें इस बात का एहसास करना होगा कि किस्मत ने 2 बार मिलाया। उस एहसास के लिए हम कभी एक साथ नहीं रह सकते। तुम और मैं सिर्फ एक साथ ही रह सकते हैं और किसी के साथ नहीं, इसीलिए किस्मत बार बार मिला रही है। तुम मेरे साथ नहीं रह सकते संजू। ये बात हमें पता है, ये मेरा प्रॉब्लम है। हे, हम दोनों को समझना बहुत मुश्किल है। मुझे पता है, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अच्छा बाबा, हमारा प्रॉब्लम। ओफ, तुम हार नहीं मान सकते क्या? 40 साल तक तो बिल्कुल भी नहीं। पर तुम एक बार धोखा दे चुके हो। सॉरी, अब वो गलती दोबारा नहीं करूंगा। हो सकता है कोई नई गलती करूं। अच्छा सॉरी टैमी, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया, अब स्कूल के दिनों से प्यार करता हूं, तो मेरा पहला प्यार हो। 2 साल पहले जब अकल नहीं थी तब भी प्यार था, 2 साल बाद जब अकल आई तब भी प्यार है। उस बूढ़े अंकल की तरह हमेशा प्यार करूंगा, और 40 साल बाद जब हम यहाँ पर इसी जगह पर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे ना, तब भी उतना ही प्यार करूंगा मैं। अब हंस क्यों रही हो तुम? मेरे डैड की कही बात याद आ गई। तो अब क्या करूं, घुटने पर बैठकर प्रपोज करूं? ठीक है, प्लीज हाँ कह दो। अच्छा, मैं हाँ कह दूंगी, लेकिन एक कंडीशन है। हा? ये नौटंकी बंद करो। कौन सी नौटंकी? अब ठीक है, अब एक मिनट, जरा ऐसे खोला। इतनी बड़ी रिंग, इतना बड़ा डायमंड, नकली तो नहीं है ना? महंगा डायमंड है। सच में? ये क्या, सस्ती अंगूठी? ये मेरे डैड की निशानी है, ओरिजिनल घर पर है, वो तो मैं बाद में दूंगी, एडजस्ट कर लो। प्यार तो बस हो जाता है, ये हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होता। हम जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन होना होता है तो हो ही जाता है, और इस बात की हम सबसे बेहतरीन मिसाल हैं। तो आइए मिलिए हम दोनों से। हेलो। हेलो, बिल्कुल सही, और हमारे बस में जो था वो ये कि इसने मुझे सुहागरात तक इंतजार कराया बस। पर सच कहूँ तो सब्र का जो फल था ना, वो बहुत ही मीठा था। ओ हेलो, ये बातें तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो? अरे, तुमने पूरी लाइफ स्टोरी सुना दी है, तो इसमें क्या है? मैं अपने बारे में जो चाहूँ जब चाहूँ बता सकती हूँ। ठीक है, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसले तुम जानो, अब ठीक है? एग्जैक्टली। तुम्हें किस आदमी ने ये सब सिखाया? उनसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, दुनिया का कोई भी आदमी उन जैसा नहीं बन सकता। ओ, क्या मैं उन्हें जानता हूँ? मैं चाहती थी तुम उनसे मिलो, पर कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल उन पर गई हूँ। तुम्हारे डैड? हाँ। काश मैं उनसे मिल पाता,
हाँ मैं भी यही चाहती थी, पर मैंने कहा ना मैं अपने डैड जैसी हूँ। एक बात कहूँ डैमी, कितनी ताज्जुब की बात है, जब हम प्यार को आजाद छोड़ते हैं तो वो खुद हमें ढूंढ लेता है। ऐसी बात है, बाय, जाओ जाओ। यार मैं तो मजाक कर रहा था, सीरियसली ले लेती हूँ हर बात को। अच्छा ठीक है, क्या करूँ।